मटर की सीजन में इस तरीके से झटपट से बनने वाले अगर मटर आलू बनाएंगे तो सब यकीनन उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के मटर आलू को बनाने में ना तो मटर उबालनी पड़ती है और ना ही आलू, और सबसे खास बात कि इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं डालना पड़ता है, यानी कि बिना पानी डाले हुए और कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो फिर इस रेसिपी को बिना देरी किए फटाफट से बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम 2 छोटे साइज का प्याज, या आप एक बड़े साइज का प्याज भी ले सकते हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसी के साथ 3 हरी मिर्च। अब इन्हें हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। लीजिए, प्याज हमारे कट के तैयार है, अदरक और हरी मिर्च भी कट के तैयार है। इस तरीके से मैंने प्याज काटा है छोटा छोटा, और जो मैंने अदरक है उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, उसी तरीके से मैंने हरी मिर्च भी चॉप की है। और अब ले लेंगे हम एक बड़े साइज का आलू, और इसको काट लेंगे हम इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, मैं फ़िलहाल इतना ही आलू ले रहा हूँ ताकि जो हमारा मटर का स्वाद है वो अनबैलेंस ना हो जाए। इसको हम इस तरीके से काट लेंगे, इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे तो बिल्कुल पतला भी नहीं काटेंगे। अब आलू तो हमारा कटकर तैयार हो गया है, बस इस तरीके से आलू हमें काटना है। अब ले लेते हैं हम मटर। ये मैंने 1/2 किलो मटर ली थी जिसके मैंने ये दाने निकाल लिए। बस इस रेसिपी के लिए इतनी ही सब्जी हमें चाहिए। अब चलते हैं हम गैस की तरफ, और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, और इस पर रख देते हैं एक कढ़ाई। आप इस कढ़ाई की जगह लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें हम सरसों का तेल, लगभग 1.5 टेबल स्पून जितना। अब तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। तेल में धुआं उठ चुका है तो अब इसे हल्का सा हम ठंडा हो जाने देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम जीरा, इसी के साथ प्याज, और अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर प्याज बहुत ज़्यादा भुन जाएगा तो जल्दी जल्दी काला हो जाएगा। बस हम इस तरीके का प्याज भूनेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, इसी के साथ अदरक। यहाँ पर इसे हम सिर्फ 1 मिनट भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा भून लेंगे तो हरी मिर्च और अदरक जल्दी से जल जाएगा। 1 मिनट हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे हम आलू। अब इसको लगभग हम 2 से 2.5 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो हमारा आलू है उसका पानी भी ख़त्म हो जाए और वो थोड़ा सा पक भी जाए। आलू को हमें बहुत अच्छी तरीके से पकाना नहीं है क्योंकि ये मटर के साथ अपने आप पक जाएंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है, आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम मटर, और अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ। और अब इसको ढक देंगे ताकि जो हमारी मटर और आलू हैं वो इसी भाप में पकती रहें। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, नहीं तो जो हमारे मटर और आलू हैं वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाएंगे। अब इसको ढक के लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुका है तो अब इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिएगा, मटर हमारी बिल्कुल नहीं जल रही है, बस इसे हमें बीच बीच में खोल कर चेक जरूर करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर 3-3 मिनट के अंतराल पर इसे चेक करता रहूँगा। और अब इसे हम फिर से ढक के रख देते हैं लगभग 2.5 से 3 मिनट के लिए। अब फिर से इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिएगा, मटर हल्की हल्की नीचे लगने लगी है, यानी कि मटर हमारी लगभग पकने वाली है। तो अब इसमें डाल देंगे हम मसाले। मसालों में डालेंगे लगभग 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम किचन किंग मसाला। लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे हम गर्म मसाला। बस इतने ही मसाले इसमें डालने हैं, इसमें हम ओवर मसाले नहीं डालेंगे, बहुत ही कम मसाले के साथ इस रेसिपी को बनाना है। अब मटर आलू पक चुके हैं तो इसमें डाल देंगे हम धनिया। धनिया भी यहाँ पर हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाए, क्योंकि इस समय धनिया काफ़ी सस्ती है तो डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। लीजिए, बन के तैयार है हमारी मटर आलू की स्वादिष्ट रेसिपी। वैसे इसे कई जगह पे घुघनी भी कहा जाता है, खैर बहुत सारे लोग इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। अब ये बन के रेडी है तो इसे सर्व कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में। और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी हमें बताएं। फिलहाल मैं यहाँ पर 2 नींबू रख देता हूँ, इसे इस पर निचोड़ कर खाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि उससे इसका स्वाद थोड़ा सा हटके आ जाएगा, लेकिन जब आप इस तरीके का नींबू डालेंगे तो भाई चटकारे वाला इसका स्वाद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और सीजन भी है तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से इसे बना लीजिए। बनाएं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, और ये रेसिपी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बगल का जो घंटा है नहीं कि बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।